टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ थाना प्रभारी अमित साहू द्वारा 7 और 8 तारीख के दरमियानी रात पत्रकार सालिम खान पर मुकदमा कायम किया गया। इस मामले को लेकर पत्रकारों के समूह ने विरोध किया और मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पत्रकार सालिम खान रिपोर्टिंग कर रहे थे, इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। वहीं जब इस मामले में पत्रकार शिकायत करने पहुंचे तो पता चला कि उनके खिलाफ धक्का मुक्की करने वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस पूरे प्रकरण का विरोध करते हुए पत्रकार के समूह ने कहा कि पत्रकार पर मामला दर्ज करने से पहले जांच जरूर करना चाहिए। इसके बाद मामला दर्ज करना था, लेकिन आनन फानन में मामला दर्ज कर दिया गया है। पत्रकारों ने इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है, मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने आज ज्ञापन दिया है, जो बातें कही कि एक तो कोई ऐसा मामला आता है तो उसकी जांच की जाए, और उनका सालिम का जो मामला है उसके लिए हम जांच करवाते हैं। एक सप्ताह के अंदर अगर जो भी वास्तविक स्थिति है उसको आपको बताया जाएगा। अपने घर को जा रहा था, रास्ते में मुझे भूसे से भरा हुआ एक वाहन खड़ा मिला। मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की और मैंने थाने में सूचना भी दी साथ में कि यहाँ पर एक वाहन खड़ा हुआ है, और मैंने उसकी फ़ोटो खींचते ही समय में मेरी उससे मतलब जो साथ में 4-6 लोग थे, क्योंकि मैं अकेला था, तो उन्होंने मेरे साथ सीधा झपटी मतलब करने लगे और उनसे एक यहाँ पे मेरे से मतलब कल मारा था, जिससे मुझे चोट भी आई है। और उसके बाद उन लोगों ने फिर जब मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ और तुम्हारे खिलाफ FIR करूँगा, तो वो मेरे हाथ पैर जोड़ने लगे और बोलने लगे कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, हमने जान हम नहीं पहचान।